दुनिया में 200 के करीब देश है और हर एक देश का अपना अपना कानून है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका बहुत ही सख्त कानून है और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर अजीबोगरीब कानून है। इन सभी देश के लोगों को अपने देश के कानून का पालन करना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन्हीं अजीबोगरीब कानून से कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, फिर भी इस कानून का सभी को पालन करना होता है। तो आइए हम ऐसे कुछ अनोखे देश और उनके अजीबोगरीब कानून के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित सिंगापुर देश में च्युइंगम चबाना, बेचना या फिर इसका आयात करना सभी चीजों पर रोक है। अगर ऐसा कोई भी करता पाया जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाता है। सामोआ देश एक आइलैंड देश है जो अपनी खूबसूरती और अजीब कानून के लिए जाना जाता है। सामोआ में यह कानून है कि आप पत्नी का बर्थडे भूल नहीं सकते। यह एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर पत्नी इसकी शिकायत करे तो पति को जेल भी जाना पड़ता है। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे पसंदीदा पर्यटन आकर्षणों में से एक है। स्विट्जरलैंड में यह कानून है कि अगर किसी अपार्टमेंट में या किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। अपार्टमेंट में रह रहे बाकी लोगों को असुविधा न हो, इस वजह यह कानून बनाया गया है। थाईलैंड देश में ज्यादातर गर्म और शुष्क मौसम होता है। थाईलैंड में आप बिना शर्ट के गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप खुले बदन गाड़ी चलाते पाए गए तो आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। इटली के वेनिस में कबूतरों को दाना देना अवैध माना जाता है। अगर कबूतरों को खिलाते हुए पाए गए तो आपको 700 यूरो तक का फाइन देना पड़ सकता है। इटली के ही रोम शहर में एक अजीब कानून है जहां पर आप कुत्तों से बुरा बर्ताव नहीं कर सकते और आपको अपने पालतू कुत्ते को दिन में एक बार जरूर बाहर घुमाने लेके जाना पड़ता है। कनाडा में कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि ओट्टावा और टोरंटो। इन सभी जगहों पर आप पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं, खासकर जो पेड़ चौराहो या पार्क में है। ऐसे पेड़ों पर आप अगर चढ़ते हैं तो ढेर सारा जुर्माना देना पड़ता है। ग्रीस में अगर आप किसी ऐतिहासिक जगह पर है, जैसे पार्थेनन एथेंस के एक्रोपोलिस में या फिर जहां प्राचीन स्मारक है, ऐसी जगह पर आप हाई हील सैंडल्स नहीं पहन सकते। श्रीलंका में आप बुद्धा की मूर्ति के साथ सेल्फी नहीं खींच सकते। बुद्धा की मूर्ति के सामने पीठ करके खड़े रहना और फोटो खींचना गंभीर अपराध माना जाता है। इंग्लैंड में आपसे सैल्मन फिश अगर गैरकानूनी रूप से पकड़ी गई है तो आपको फाइन देना पड़ता है या फिर जेल जाना पड़ सकता है। जॉर्जिया के एक शहर विटमैन में अपनी मुर्गियों को सड़क पार करने देना गैरकानूनी है। यह कानून बनाने का यही कारण है कि मालिक हमेशा अपनी मुर्गियों को नियंत्रण में रखे ताकि किसी और को इनकी वजह से तकलीफ ना हो। जॉर्जिया का एक और शहर है गेन्सविल, जहां आप तला हुआ चिकन किसी चम्मच, चाकू या छुरी से नहीं खा सकते। आपको इसे खाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा यहां पर कानून है। मलेशिया में एक अजीब कानून है। यहां आप पीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। अगर आप इन्हें पहनते हो तो सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो। इस धारणा के साथ आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत के दक्षिण में स्थित आइसलैंड देश मालदीव एक इस्लाम राष्ट्र है। यहाँ पर इस्लाम से जुड़ी किताबों को छोड़ अन्य किसी भी धर्म की किताबें पढ़ने पर पाबंदी है। अफ्रीकन देश बुरुंडी में जॉगिंग करने पर मनाही है। इस देश में जॉगिंग करना अपराध है
अगर कोई ऐसा करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ईरान में पश्चिमी देशों के हेयर स्टाइल रखने पर पाबंदी है। कोई भी दुकानदार जो इस तरह के बाल काटता है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। साथ ही यहां पर टैटू बनाना भी बैन है।